तो फाइनली भाई हम गुआंगचो लैंड कर चुके हैं एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह, और अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या बनता है। तो भाई पहुंच चुके हैं हम गुआंगचो एयरपोर्ट पे, अब देखते हैं आगे, अभी आगे हमारा सफ़र बहुत बाकी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है, मिलते हैं आगे फिर। स्टिल जो है हमारा सफ़र जारी है, ये खाने का शौकीन यह भी बाकी है, इसने कुछ नहीं छोड़ा, चीज़ भी नहीं छोड़ी है इसने, कोई छोड़ी मशरूम है इसने नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं छोड़ा, जो मतलब कि मैं नहीं खा सकता था इसने, मतलब कि वो सारी चीज़ें हम जो नहीं खा सकते थे इसने खाई। तो ये बंदा यहाँ पे सरवाइव करेगा, हम तो यहाँ पे ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं भाई, भाई सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं, अब आगे अच्छा यहाँ पे हम रुके हैं एयरपोर्ट पे जंगजो में, एक मसला हो गया था वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, फ़िलहाल निकल जाए। अच्छा भाई इमिग्रेशन अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, गुआंगचो एयरपोर्ट पे खड़े हैं। तो मसला ये बन गया था कि मेरा टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ज़्यादा आ गया था, तो जो है इस वजह से उन्होंने मुझे मेरा कोविड टेस्ट किया, नाक का मुँह का, और टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर भी लगाया, तो बस फिर उन्होंने जाने दिया। शुक्र है पॉजिटिव नहीं आया कोविड, वो तो हम खैर करवा के आए थे, इस वजह से बचत हो गई, तो मतलब करवा के आए थे नेगेटिव था, तो इस वजह से जब आप आएँ, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब आप आएँ जहाज़ में, जब बैठता है साफ ज़ाहिर है वो एसी चल रहा होता है, तो हम एसी के आदि नहीं होते, तो मेरा तो टेम्परेचर वैसे ही थोड़ा सा अप हो जाता है। तो हाँ पैनाडाल जो है भाई बोलने जा रहा था, पैनाडाल के जो है फक्के मारो, ठीक है, दो तीन गोलियाँ खा लो पैनाडाल की, ठीक है, बस मज़े करो चिल करो, लेकिन गोलियां दो लाजमी खा लेनी है जब भी आपने लैंड करने से घंटा एक पहले, ताकि आपका टेम्परेचर या टेम्परेचर जो भी डाउन करती हैं गोलियां वही आपने लाजमी खा लेनी है, ताकि जो है आप तो जो है वो ना हो, पॉजिटिव ना आए, पॉजिटिव कहते हैं टेम्परेचर ना बढ़े, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके मिलते हैं नेक्स्ट, अब जा रहे हैं हम स्टेशन गुआंगचो स्टेशन रेलवे स्टेशन पे, तो लेट्स सी क्या होता है हमारे, हम जब ग्रुप में जाते हैं तो एक मसला ये होता है कि इकट्ठे जाने का मज़ा तो होता है, लेकिन ये है कि अगर एक रुका तो सारे रुक जाते हैं। अब दो पीछे खड़े हुए हैं, वो दो खड़े हुए हैं लड़के, और दो हमारे पीछे आ रहे हैं, ठीक है, अब ये मेरी वजह से सारे जो है रुके हुए थे, तो ये तो सीन है भैया। तो बाकी आपको माहौल दिखाते हैं, ये वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं, ये मैं आपको इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। आगे स्टेशन पर चलते हैं, मिलते हैं। वाह आने वाले हजरात, ये थोड़ा इन्वायरमेंट देख लें फिर ना कहने हमें दिखाया नहीं है, ठीक है, ये द ब्यूटी ऑफ चाइना भाई। यहाँ पे रात के कोई नौने पौने एक बज रहा है, ठीक है, एक बज रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा, बस ये मैंने कहा चलो ये आपको ये जो सर्कल टाइप बना हुआ है ये दिखा दें, नज़ारा करा दें, आप ये ना कहें कि भाई साहब गायब हो गए, अपन इधर ही है। तो मिलते हैं अब हम आपको स्टेशन पे इंशाल्लाह, ताकि चाइना आना है ना बेड़ू तो संभल के आना है भाई। जंगजो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं हम फाइनली, और ये रंग काला होने की वजूहत यही है कि लाइट सही से नहीं पड़ रही, ठीक है, इसको आपने बर्दाश्त करना है। पहुंच चुके हैं, अब ट्रेन ये बंद है सबवे, सुबह 6 बजे ओपन होगी, तो हम टिकट तभी लेंगे, तभी वेट करते हैं, अब क्या करते हैं समझ नहीं आ रहा, वहाँ पे हम खजल हो गए हैं, समझ नहीं आ रही कहाँ पे जाना है, स्टेशन इस पर क्या कहते हैं पीछे ये सबवे का स्टेशन है साउथ आई थिंक, तो बस यही कहानी है, अभी कहानी बाकी है, हम चाहिए अभी ट्रेन की टिकट लेंगे जंगजो तक, देखते हैं कितने में पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे, तो माहौल बड़ा भैया ही है, पैसे यहाँ पे पूरे हो जाते हैं, ठीक है, तो अभी पैसे पूरे करने का टाइम नहीं है, अभी उसको भी देखते हैं भाई। यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं, ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं सारे, अब हम कुछ लेते हैं क्योंकि युआन हैं भाई आपके पास, हमारे पास युआन है, 3000 युआन लेके आए थे भाई, युआन पॉकेट में है मेरा, उधर मेरे पास हैं पड़े, तो अब जाकर कुछ लेते हैं कुछ खाने के लिए पीने के लिए, बिस्किट्स थे मेरे पास लेकिन ये कह रहे थे पानी चाहिए, हमारा इनके साथ कोई मुकाबला नहीं है यार, ये बहुत आगे कहूँ मैं। भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं
ट्रेन का वेट कर रहे हैं, नफसा नफसी का आलम है यहाँ पे, ठीक है। उनको हमारी समझ नहीं आ रही, हमारी उन्हें समझ नहीं आ रही, तो हिसाब का बराबर हो गया है। अब टिकट का देखते हैं क्या सीन होता है, बहरहाल वेट करते हैं। तो भाई हालत यहाँ पे थोड़ी टाइट हो रही है, सर्दी लग रही है और हम पड़े हुए हैं यहाँ पे, देखिए तो वेट कर रहे हैं। अभी सर्दी बहुत है यार, लेट्स सी अभी 5 बजे ओपन होगा स्टेशन। ए यार स्टेशन पे पहुँचे खड़े, बड़ा ज़बरदस्त स्टेशन है, ते आहो ठीक है, बड़ी VIP लोकेशन इन्हें दी। मैं ना उस्ताद क्या ही बात है, इन्हें मुख में दिए यार, इन्हें मुख में दिए, बहु ही आला आला वही आला, बैठ ये बैठ रोला है यार आज। हाँ ये अंदर वाला सीन तो ये है, हम बाहर खड़े हैं, अभी ओपन नहीं हुआ ना ये, आई थिंक 5 बजे ओपन होगा। अच्छा भाई आप हमारी हालत देख रहे हैं, चेहरों पे थोड़ी सी उदासी छाई हुई है, ज़्यादा नहीं है, हुआ ये कि हमारी ट्रेन मिस हो गई है, ठीक है। बस वो थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से ना हम यहाँ पे रुक गए। अब नेक्स्ट दोबारा हम जो है दोबारा कराई है टिकट, उसकी स्टोरी एक मैं आपका आगे जाके बताऊंगा क्या सीन हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। तो भाई ट्रेन में हम बैठ चुके हैं, अब पहले इकट्ठे सीट थी, अब जिसे कहते हैं ना वक्री वक्री मसला हो गया था, बाकी फास्ट ट्रेन में है, देखिए कब तक पहुँचते हैं। अभी बैकग्राउंड में आप व्यू देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। I am making a video in my language. In my language. So you just listen. भाई ये जंगजू स्टेशन है, साउथ ईस्ट स्टेशन है, यहाँ पे हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं दोस्त का। यार बस ना पूछो कि क्या हुआ है हमारे साथ। तो भाई इधर हम पहुँचे हुए हैं, सबवे पे बैठे हैं, तो अपने इस पर जा रहे हैं। पीछे भी आपको मैंने कहा चलो माहौल दिखा ही देते हैं, देख लें भाई इंजॉय कर लें, शायद आपके भी किस्मत में हो, अल्लाह खैर करे। अभी पहुँचते हैं अपने डॉर्मेट्री पे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई फाइनली हम अपने अपार्टमेंट के बाहर ऑलमोस्ट बाहर पहुँच चुके हैं, तो ये आप माहौल पीछे देख सकते हैं चाइना का, फर्स्ट टाइम विजिट हो यह ओके। तो ये है ठीक है भाई, तो ये हसना में जो है लेने आया था, तो फर्स्ट टाइम इसके साथ मुलाकात हो रही थी, लेकिन बंडल ऑफ थैंक्स कि ये हमें रिसीव करने आए हैं। यूनिवर्सिटी से हमने कहा कि भाई हमें कोई लेने आए, उन्होंने सीधी सीधी ना कर दी भाई कोई नहीं आएगा। मैंने कहा चलें ठीक है आप कुछ करते हैं, पहले मैंने आसन को कह रहा था, इसने कहा कोई मसला नहीं है, तो बंडल ऑफ थैंक्स टू यू स्पेशली थैंक्स। तो मिलते हैं, अब हम डॉर्मेट्री में जाते हैं, बड़े थके हुए यार, टायर वगैरह सारा कुछ उछाड़ दिया है हमने ओके। तो भाई हम अपने अपार्टमेंट में पहुँच चुके हैं, लग्जरी अपार्टमेंट है ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप किचन, सॉरी ये क्या कहते हैं वॉशरूम ठीक है, वो बाद में दिखाएंगे आपको। किचन बड़ा ज़बरदस्त है, और ये हॉल है, इसमें एक और रूम है ये ओके। तो ये हो गया, मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो ये एक रूम हो गया, ये दूसरे वाला रूम हो गया, ये बिलाल का इसका है, ये कह रहा है मुझे ये बच्चों वाले पसंद है। अच्छा नेक्स्ट ये है जी, इसका ये वॉशरूम है एक, इसका जो रूम का जो है ये शेल्फ है, ये बेड ठीक है, और ये सामने बिल्डिंग ओके। हाँ बस यही है, बच बचा के यही बचता है, और यहाँ पे भी ये हॉल है, ये नमाज़ पढ़ने के लिए परफेक्ट जगह है, बिलीव मी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अपने पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसमें अपार्टमेंट में जो हमने लिया है। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त VIP माहौल है, मैं आपको बताता हूँ, ये है हमारा किचन ठीक हो गया, और ये है जी हमारा वॉशरूम, ये वॉशरूम इधर आ जाओ जरा दिखा दे, यहाँ पे लगा हुआ है हमारा एक बंदा वॉशरूम है, बड़ा VIP किस्म के जो है, इसके बाद इधर जेब है, आ जा ये मैंने सोचा है कि ये वीडियो का बैकग्राउंड है कि ये होगा,
एक जो है ये वीडियो के बैकग्राउंड ये होगा, ठीक है। उधर आ जाइए तो ये यहाँ पे बैठने के लिए, उसके बाद ये शेल्फ्स हैं ऊपर भी नीचे भी, तो ये भी कोई फैंसी टाइप उन्होंने लगाया हुआ है, ये भी कोई एसी उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आ जाए जी बाहर का माहौल, मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज़ देखो, दिखाओ भाई इनको ये वाला नज़ारा, थोड़ा सा आगे करके ये वाला नज़ारा इनको दिखाओ, ग्राउंड वो नज़र आ रहा है, VIP ग्राउंड है। ये शीशों की सफाई नहीं हुई है, हम आज ही आए हैं तो इस वजह से बाकी सारी चीज़ें दरवाज़ा कितनी बंद कर देता हूँ यार, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जी, अपार्टमेंट आपने देख लिया, एक और हाँ रूम में तो गए नहीं, आ जा, ये हमारा सामान पड़ा है अभी अभी हमने अभी लैंडिंग की है थोड़ी देर पहले, तकरीबन घंटा हो गया होगा, ओके हो गया। तो इसके बाद है जी एक ये रूम है, ये बंद है, उसके बाद सामने आ गए तो इधर आ जा, ये कोई VIP इसने बैकग्राउंड टाइप लिखा हुआ है, एशिया और यूरोप, ये किसी बच्चे की जो है कारकर्दगी है उसने वो की हुई है। इधर भी है, ये यहाँ पर बेड आना है, वो बेड आ जाएगा तो फिर ज़बरदस्त इसमें हो जाएगा। बाहर से नज़ारा दिखा इनको, ये खुला हुआ है देखो, ये है जी नज़ारे हैं, तो ये सारा सीन है, ओके हो गया। चाइना कर रखे था आपने, तो ये लो भाई चाइना आ गया, ओके बाय द सी, ठीक है। ये है हमारा अपार्टमेंट और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें गुजरेंगी सही स्मूथली सारा कुछ। तो भाई यहाँ पे हम आए हुए हैं, सिम वगैरह हमने बाय करनी है, तो वो भी सारे यहाँ पे हम आए हुए हैं। पीछे माहौल आप देख सकते हैं चाइना का, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ चाइना। तो इमेजिन अभी सिम वाली नहीं, मेरे ख्याल पहले वो एजेंट आ रही थी, फिर अब कोई बंदा आ रहा है, सिम देते हैं बाय करते हैं।